श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः जिस प्रकार केमिस्ट्री के विद्यार्थी को H2O कहने से पानी का स्मरण होता है, इसी प्रकार से अध्यात्म में चलने वाले को जब ओम इस शब्द का उच्चारण होगा तो चार बातें एक क्षण में प्रकट होनी चाहिए। कौन सी चार बातें? एक उदाहरण से समझ ले। मैं आदमी हूं। अब जब मैं अपने पिता की उपाधि को धारण करता हूं तो पुत्र बनता हूं। एग्जैक्टली उस समय क्या होता है? फिर वही मैं आदमी पत्नी की उपाधि धारण करता हूं तो पति बनता हूं, तो उस समय एग्जैक्टली क्या होता है? क्या यहां दो निर्माण हो गए, एक पुत्र और एक पति? फिर मैं अपने पुत्र की उपाधि को धारण करता हूं तब पिता बन गया, तो यह पिता यह तीसरा व्यक्तित्व। जब मैं पिता के सामने हूं तब पति और पुत्र की बात डिलीट कर दी, जब पत्नी के सामने हो तो पुत्र और पिता की बात डिलीट कर दी। ये उपाधियां रहे न रहे, ये उपाधियां आती जाती है, लेकिन आदमी के रूप में मैं ज्यों का त्यों हूं। तो अकार उकार मकार और अमात्रा चार बात। तो जब हम जगत में व्यवहार कर रहे हैं तो इस समय हम विश्व है, यही बैठे बैठे घर चले गए, यहां आ तो गए कैंप के लिए अच्छा लगेगा करके, लेकिन यहां तो ब्रह्म ने परेशान कर दिया। घर रहते तो ठीक है, तो तेजस हो गया, क्या फर्क पड़ता है यहां रहे घर में रहे, सो जाओ तो जिंदगी खत्म, प्राज्ञ तैयार हो गया। और ये सब का आना जाना लगा हुआ है कि हम तो ज्यों के त्यों है ना, इसमें दुखी होने के लिए कहां अवसर है। इसको कहते हैं ओंकार की आध्यात्मिक साधना। तो जब हम अपने बॉस के सामने हैं तो सबॉर्डिनेट के जैसा व्यवहार करो, बॉस के सामने जाकर के उल्टी सीधी बात करेंगे तो परेशान होगे। जब अपने सबॉर्डिनेट के पास हो तो उसके सामने एकदम बॉस बन जाओ, बिना खामे खामोखाम उनको गुस्सा करते रहो। यदि थोड़ी गड़बड़ी करी तो संसार सुनो। और ये सब करते समय इतना ही ध्यान रखना कि हमको ये सब के सब नाटक करने हैं। इसलिए 19वें श्लोक में इस तत्व को बताते हैं, अकार उकार मकार, इनको विश्व तैजस और प्राज्ञ के साथ जोड़ दिया, उसके कारण बताए। अब इसकी समरी मानो गौड़पादाचार्य कहते हैं, विश्वस्य अत्व विवक्षायाम आदिसामान्य उत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यात् आपि सामान्यमेव च। विश्वस्य अत्व अकारत्व मात्रत्व यदा विवक्षते तदा आदित्व सामान्यम उक्तम न्यायेन उत्कटम उद्भूतम दृश्यते इत्यर्थः। तो जैसे अभी हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा है मंत्रों में कि ओंकार में अ उ म पहली मात्रा अ है, दूसरी उ है, अ बिना किसी प्रयत्न के है, उ में अ में जब विकार आ जाते हैं तब उसको उ कहते हैं,
अब सब विकार जब शांत हो जाते हैं तब म कहते हैं। तो जागृत अवस्था अकार है, इसमें विकार आए तो ऊ तैयार हो गया, परेशान होकर के ख्याली पुलाव खा रहे हैं, वहां थक गए तो सब शांत हो गया, मकार प्राज्ञ में चले गए। इस प्रकार से हम अखंड रूप से कभी यहां कभी वहां कभी यहां घूम रहे हैं। ऐसा है कि हम में ही कभी जागृत अवस्था आके चली जाती है, सपना अवस्था आके चली जाती है, सुषुप्त चले जाती है, हम तो ज्यों के त्यों हैं। इस प्रकार से यह अकार के साथ विश्व की सामान्यता है। फिर उसी प्रकार से तैजसस्य उत्व विज्ञान उत्कर्ष दृश्यते स्फुटम, उसी प्रकार से तेजस में ऊ का ऊ मात्रा का लगा देना, इसमें भी बड़ी स्पष्टता है उत्कर्ष, क्योंकि विश्व केवल स्थानीय होता है और जीव जो है वो सर्वस्थानीय है, इसीलिए दोनों में सिमिलैरिटी है। फिर मकार में मकार भावे प्राज्ञस्य मान सामान्य मुत्कटम, तो मकार जो प्राज्ञ के साथ है उसमें भी मान नापा है, जैसे एक बर्तन में पानी डालो निकालो फिर डालो फिर निकालो, इसी प्रकार से यह तेजस और विश्व इस मकार से निकलते हैं अंदर जाते हैं, निकलते हैं अंदर जाते हैं। इस प्रकार से लय और उत्पत्ति ये दोनों भी इस मकार में प्राज्ञ की जैसी होती है, इस प्रकार से यह ओंकार की तीन मात्रा और विश्व तेजस और प्राज्ञ इनका सामंजस्य हमारे ज्ञान में हमेशा बना रहे, ये इसका था। यदि ये बना रहेगा तो फिर हमारी विचार करने की प्रक्रिया पद्धति एकदम भिन्न होगी। अब आगे कहते हैं 22वें मंत्र में, त्रिषु धामसु यत्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः स पूज्यः सर्वभूतानां वन्दश्चैव महामुनिः। तो जिसने यथा उक्त स्थान त्रये यत्तुल्यं उक्तं सामान्यं वेत्ति, ये जो तीन मात्राओं के साथ विश्व तैजस और प्राज्ञ को जो समीकरण करके बताया है, जो इसको निश्चय पूर्वक जानता है, विनिश्चित निश्चय पूर्वक जानता है माने केवल थियोरेटिकली नहीं, देखो इसके ऊपर में जो साधना है ना वेदांत की उसमें क्रिया नहीं है, उसमें ज्ञान भी नहीं है, उसमें बोध है। सांख्य में ज्ञान है, वेदांत में बोध है। बोध कब होता है और ज्ञान कब होता है? ज्ञान होता है शास्त्रों का अध्ययन करने से, और बोध होता है अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करने से। देखो कितना मूल फर्क है। यदि हम ज्ञान की बात करेंगे तो पूरे के पूरे उपनिषद, यहां हाथ लगाओ, ईशावास है, ईशावास में अंदर ध्यान जगाते हैं, हट निकाल दो, बंद हो गया। ज्ञान बड़े ज्ञानी है, यह केवल पुस्तक ज्ञान मात्र है, अनुभूति का लवलेश नहीं। अनुभूति तब होती है जब ज्ञान को हम एक्सपेरिमेंट के लिए ले लेते हैं। देखो कैसे ज्ञान को एक्सपेरिमेंट के लिए लेना है, कि दुखी जो हो रहा था वो कौन था? वो पति था। लेकिन मेडिटेशन करते समय कौन मेडिटेशन करना रहा था, पति कर रहा था कि साधक कर रहा था? साधक कर रहा था। यदि साधक मेडिटेशन कर रहा था तो पति को जूते के साथ बाहर रख दो। तो ध्यान के कक्ष में आने के पहले पति जरा जूतों का ध्यान रखना, फिर कुत्ते उठा के ले जाते ध्यान और फिर अंदर जाके बैठे। अब अंदर कौन बैठा है? अंदर साधक बैठा है। साधक के मन में विक्षेप नहीं आएंगे और पति के मन में शांति नहीं होगी, भले पत्नी का नाम शांति हो। मुझे लगता है लोग इसीलिए शांति रखते होंगे नाम, कम से कम नाम के लिए। नारायण। तो जो त्रिशु धामसु यत्तुल्यं वेत्ति निश्चिता,
किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं, निश्चित। यह साधना ना तो क्रियात्मक है ना तो ज्ञानात्मक है, यह साधना अनुभवात्मक है। अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना है और विश्लेषण करने के लिए गाइडेंस रेफरेंस कौन से हैं, वो है शास्त्र के। तो शास्त्र का रेफरेंस, अनुभव अपना, उसका विश्लेषण और उससे जो निष्पन्न होगा वह बोध, ज्ञान नहीं। देखो इसीलिए सब पूज्य हां सर्वभूतानां वंदेश्चैव महामुनि, वही सबको सबके लिए पूजनीय होता है। अब देखो बड़े बड़े राजाओं को राजा कहते हैं, बाबाजियों को महाराज कहते हैं, राष्ट्र महाराष्ट्र, मूर्ख महामूर्ख। तो यह जो महा लग जाता है, कारण क्या है? ये बड़े बड़े अमीर लोग, राजा लोग खूब दान धर्म करते हैं, तो दान करने में उनके अंतकरण में जागृत अवस्था के संपत्ति के प्रति महात्म्य बुद्धि अभी बनी हुई है। जब किसी को दान करते हैं ना, तो पैसे के प्रति महात्म्य बना हुआ है। हमने सोचा यहाँ एक प्याऊ बना दे, गर्मी के दिनों में लोगों को परेशानी होती है तो लोग पानी पी लेंगे। तो हमारे मन में पैसा, पानी, प्याऊ, इसके प्रति महात्म्य है। और त्याग जब करते हैं तो त्याग में वस्तु के प्रति, व्यक्तियों के प्रति महात्म्य बुद्धि समाप्त हो जाती है। इसीलिए दान से बढ़कर के त्याग होता है, और इसीलिए दुनिया में दानियों से ज्यादा त्यागियों का महात्म्य है। देखो न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस, दाने नहीं के नहीं, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस। तो जिसने, जिस महामुनि ने, महामुनि का तात्पर्य क्या है, इसने अत्यंत सूक्ष्मता से चिंतन करके इस नतीजे पर पहुंचा है कि यह जागृत अवस्था कितने बार आके चली गई, हमेशा ये ऐसे नहीं रहने वाला है। एक ही सिद्धांत पकड़ के रखो, उल्टी गिनती। यहां आए हम लोग 6-7 थी, अब उसमें से 3 तो निकली गए। अब मच्छरों को भंडारा होने दो और 2-3 दिन की बात है, फिर वहां जाएंगे, वहां के मच्छरों को भंडारा करेंगे। देखो इस प्रकार से जो त्यागी है वो विश्व के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन विश्व की सुख दुख के भागीदार वो नहीं होते, इसीलिए उनको महामुनि कहते हैं। उसके पश्चात दूसरी बात, त्रिशु धामसु। अब दूसरा धाम कौन सा है? पहले तो जागृत अवस्था का धाम था, दूसरा धाम है यह तेजस का। तेजस की धाम में क्या होता है? पाप पुण्य धर्म अधर्म। देखो अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। ये धर्म अधर्म पाप पुण्य ये KG1 KG2 तक ठीक है, पूरी जिंदगी इसी में लगा दी, धर्म पाप पुण्य। इसीलिए ये महामुनि इन्होंने अपने जीव भाव का भी त्याग कर दिया है, और इसीलिए ये स्वयं करते कुछ नहीं, इनके कारण अनेक बातें हो जाए, ये डोंट क्लेम ऑल्सो। देखो किसी भी साधु संतों का जीवन ले लो, उन्होंने समाज के भलाई के लिए मैं कर रहा हूं ऐसा कभी संकल्प नहीं लिया। ये तो अपनी साधना चल रही है, इसके द्वारा दुनिया का भला हो गया,
तो जैसे गाय रखते दूध के लिए गोबर भी मिल गया तो बाय प्रोडक्ट है, कोई गोबर के लिए गाय नहीं रखता। इसी प्रकार से इन्होंने अपने जीव भाव का त्याग कर दिया है। अब त्रिशु धामसु, अब आगे प्राज्ञ में, प्राज्ञ में वहां तत्वस्य अग्रहणम निद्रा, वहां तत्व का अग्रहण नहीं है। तो जब हमको व्यवहार में रहना है तो व्यवहारिक बातें करें, लेकिन उसमें फंसे नहीं। इस प्रकार से ये महामुनि जो है सामान्यम वित्तीय निश्चित स्व पूज्य हां सर्वभूतानाम, तो विश्व की श्रेष्ठता प्राप्त होने के कारण जागृत अवस्था में सबके सब उनके प्रति आदर रखते हैं और सबके साथ एक तादाद में हो गया हिरण्यगर्भ की स्थिति, इसलिए सबसे प्रेम इत्यादि और ये प्राज्ञ के साथ ईश्वरत्व प्रकट हो गया तो उसके माध्यम से अपने आप दुनिया का भला होने लग जाता है बिना किए। दुनिया का भला होना एक बात है और दुनिया का भला करना दूसरी बात है। इस प्रकार से वह सर्वभूताना मंदस्य एवं महामुनि, वही सबके लिए पूजनीय होता है। यथोक्ते सामान्य आत्मपादानां मात्राभिः सह एकत्वं कृत्वा यथोक्तोंकार प्रतिपद्यते यो ध्यायति तम्। अब ये तो ज्ञान की बात हो गई ऊपर वाली अपने अनुभूति की, लेकिन सबके लिए ये संभव नहीं। तो ये लोग क्या कहते हैं, ओंकार पर अब ध्यान करते हैं, सामने ओम का चित्र लगाएंगे, बीच में सफेद धीरे धीरे नीली लाइने गोल गोल बढ़ रही है, सामने बैठेंगे उसके त्राटक करेंगे, स्वामी जी लेकिन क्या है ये आंखें आधी कैसी खुली रखती है, हमारी तो या तो पूरी खुलती है या तो पूरी बंद होती है, आधी कैसी करती है। आधी का मतलब क्या है, कितनी आंखें हैं तुमको, दो, आधी हमारे कितनी होगी, एक। ओ देखो, उपासना के द्वारा हम प्रयत्न में लगे रहते हैं, कुछ चाहते हैं। उपासना का तात्पर्य है उप माने नजदीक, करीब, तत्व के करीब जाना है। हम तत्व से दूर अविचार से हुए हैं, अविचार कृतो बंधः विचारेण एव शाम्यते निवर्तते। अविचार के कारण यदि कोई बात निर्माण हो गई है तो योग्य विचार से ही उसका निराकरण हो सकता है, ध्यान लगाने से नहीं होता। लेकिन जिनको ये समझ में नहीं आता उनके लिए कहते हैं, अकारो नयेत विश्वम उकारश्चापि तैजसम मकारश्च पुनः प्राज्यम नामात्रे विद्यते गति। तो जो व्यक्ति अकार के ऊपर ध्यान करता है माने उनके जीवन की साधना यही है कि इस दुनिया में रहते समय हम ऐसा रहेंगे कि सब दुनिया हमको याद रखे, हर जगह में ये करेंगे वो करेंगे और वो करते भी है, बड़ा दान धर्म कर रहे हैं और अनेक प्रकार की फैसिलिटी दुनिया के लिए निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार से विश्व को महात्म्य दे करके इस जागृत अवस्था में वो बड़े सक्सेसफुल श्रेष्ठ बन जाते हैं। दूसरा कहते हैं कि तथा ओंकार तैजसम नये, तो ओंकार के द्वारा जब करेंगे तब ये उपासना में रह करके अपने में भिन्न भिन्न शक्तियों को जागृत करेंगे। और उसके पश्चात जब मकार के साथ ये रहेंगे तब वो शक्तियों को जागृत होने के बाद प्रकट नहीं किया तो क्या मतलब है। तो तैजस की साधना शक्तियों को जागृत करना, और शक्तियों की जागृति हो गई तो उसको प्रकट करना ही पड़ेगा, रुकेंगे नहीं। देखो जैसे हमने एक बार आपको बताया था शायद, सिंधी लोग नॉर्मली गाते नहीं, तो एक बार हम किसी सिंधी के यहां गए खाने के लिए,
अब टाइम था तो हमने कोई बात नहीं, हम टीवी देखते हैं, तो उनके पति से पावन कहते स्वामी जी नहीं 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 हम हारमोनियम ले आते डाइनिंग टेबल पर ले आए। हमने कहा देखो भाई मैं ये बाजा बूजा नहीं बजाता, मुझे नहीं आता है, हम लोग टीवी देखेंगे। बोले नहीं नहीं आप नहीं, मैं बजाता हूँ, मैंने अभी अभी शुरू किया है सीखना। अरे राम राम राम। और फिर वो आकर के शुरू कर दिए और हवाएं भी आ रही थी, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया पंडित को पूछते हैं। बोले मुझे नहीं मालूम तुम्हारे बाजे का क्या चक्कर है। फिर मैंने कहा हाथ मारिए और नीचे की चाबी आपने खोली नहीं। ओ आपको तो आता है, हमें को मुझे चाबी मारनी आती है। तो चाबी खोली फिर शुरू हो गया। हमें कहा अम्मा खाना हो गया क्या? उन्हें समझ हो गया। उन्हें बंद करो। बोले नहीं अभी तो मैंने खोला है, अभी आपको सुनाऊंगा। देखो थोड़ी कोई बात आती है तो उसका प्रदर्शन करना आवश्यक है। शादियों में ये जो माताएं सब लोग जाती है, ये शादी के लिए थोड़ी जाती है, अपने पास जो है वो दिखाने के लिए जाए और कुछ नहीं उसका कार्यक्रम। इसी प्रकार से यदि सिद्धियां प्रकट हो गई तो चुप बैठेंगे। इस प्रकार से ये इसी में फंसे रहते हैं। तो शब्दा नयते अक्षीणे तू मकारे बीज भावक ख्याल। और जिसने यह विश्व तैदेस और मकार यानी भाग्य इसके बीज को भी हमने नष्ट कर दिया। बीज क्या था प्राग्ञ में? तत्वस्य अग्रहणम। जब अपने स्वरूप को पहचान लिया तो हम प्राज्ञ के परे चले गए। फिर कहाँ रहेंगे हम? सब कहते हैं सदा बीज क्षय मात्रे ओंकारे गति ही न विद्यते क्वचित इत्यर्थः। और फिर एक बार हम अपने स्वरूप में आके बैठे तो ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। जानन अभी मेधावी जड़वल्लोकमाचरे। हमारे स्वामी खंडान जी की कई पुस्तक में हमने पढ़ा, एक बहुत बड़े महात्मा थे, एक मंदिर में ऐसे बैठे रहते थे शांत होकर, और वहां सत्संग चलता था। तो सत्संग जब चल रहा था तो एक कोई ब्रह्म सूत्र का सूत्र लेकर के प्रवचनकार थोड़े गड़बड़ा गए कि क्या कहना चाहते हैं भगवान वेद व्यास और भगवान शंकराचार्य का भाष्य, थोड़े गड़बड़ा गए। ये महात्मा वही बैठे बैठे हमेशा रहते थे और उस तत्व का इतने तादाद में हो गए थे कि उन्होंने बताया कि महाराज जी कहीं ऐसा तो नहीं है, और पूरा का पूरा उस सूत्र का विवरण उन्होंने वहां बैठे बैठे कैजुअली कर दिया। तो जो प्रवचनकार थे दौड़ के आए, इनके चरणों में गिरे, महात्मा जी आप कौन है छिपे रुस्तुम? जैसा लोगों को पता चला ये महात्मा जी, वो छोड़ेंगे उनको? रात को उन्होंने अपना कमंडल उठाया और भाग गए, फिर किसी को दिखे नहीं। देखो संतो, इसीलिए जो अपने स्वरूप में निष्ठा चाहता है उसको पतंजलि भी कहते हैं कि भिन्न भिन्न सिद्धियां इत्यादि ये सब प्रतिबंध है, ये योग्य नहीं है, सबका हमको त्याग कर देना है। तो क्षीणे तो मकारे बीज भावक ख्याल अमात्रे ओंकारे गति ही न विद्यते क्वचित इत्यर्थः। क्योंकि फिर एक बार ओंकार में गए तो उसके पश्चात ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सब के सब सपने के जैसे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। ये होने के पश्चात अब बारहवें आखिरी मंत्र में आते हैं, अमात्रश्चतुर्थो अव्यवहारः प्रपंचोपशमः शिवः अद्वैतः एव ओंकारः आत्मा एव संविशति आत्मना आत्मानं यः एवं वेद। अमात्रो मात्रा यस्य नास्ति सः अमात्रः। जिसकी कोई मात्रा नहीं है। मात्रा का तात्पर्य क्या है? मात्रा का तात्पर्य आंखें केवल रूप रंग को देख सकती है, शब्द को नहीं सुन सकती। ये आंखों की मात्रा हो गई रूप रंग। कान केवल शब्द को ग्रहण कर सकते, सूंघ नहीं सकते, तो ये हो गई कानों की मात्रा।
विश्व केवल जागृत अवस्था में ही कार्य कर सकता है, उसको स्वप्न सुषुप्ति में प्रवेश नहीं। ये हो गई विश्व की मात्रा। जो तेजस है उसका कार्य केवल स्वप्नावस्था में ही होगा इत्यादि। माने जो सीमित क्षेत्र है ऑपरेशन का, उसको कहते हैं मात्रा। अब कहते हैं अमात्रा, मात्रा यस्य नास्ति स मात्रा, ओंकार चतुर्थ तुरीय आत्मा एव केवल। लेकिन यह अमात्रा जो परमात्म तत्व है अपना स्वरूप, उसमें कैसे कहते हैं आत्मा एव केवल। केवल का तात्पर्य है जिसमें किसी भी प्रकार के भेद नहीं है। देखो बाह्येन्द्रिय जो होते हैं, आंखें कान नाक इत्यादि, इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं और फंक्शनल डिफरेंसेस होते हैं। हमको भगवान ने आंखें दी है, नाक दिया है, कान दिया है। किस लिए दिया है? आंखें देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, कान सुनने के लिए। कौन से नाक से सुनते हैं? जो बाहर दिख रहा है उस नाक से सूंघते हैं कि जो अंदर है उस नाक से सुनते हैं? ऑफ कोर्स जो अंदर है उस नाक से सुनते हैं। हम कौन से कान से सुनते हैं? जो बाहर में पकड़ में आता है उससे, या अंदर है उससे? अंदर है उससे। तो भगवान ने फिर ये बाहर का नाक और बाहर के कान काहे को दिए खाली बिली? भगवान को पता था कि बड़े होकर के चश्मा लगना है, इसीलिए चश्मे को पार करने के लिए और डंडों को रखने के लिए भगवान ने पहले ही बंदोबस्त कर दिया। कल्पना करो ये नाक नहीं हो और कान नहीं हो तो चश्मा कहाँ रहो? फिर तो घेटे की जैसा बांधना पड़ेगा। तो भगवान की कितनी बढ़िया कृपा है नारायण। तो केवल जिसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है वह केवल है। विजातीय भेद माने जैसे पेड़ और पशु पक्षी भिन्न भिन्न जाति के हैं। जाति का अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, ये तो हमारे राजनीतिज्ञों की देन है अपने देश को। वो वर्ण है, वर्ण और जाति भिन्न होते हैं। जाति माने आकार। तो पशु जाति और वनस्पति जाति, ये विजातीय भेद है। फिर सभी पशु ही है, कोई कुत्ते है, कोई गधे है, कोई घोड़े है, तो ये हो गए सजातीय भेद। और स्वगत भेद क्या है? एक ही गाय है लेकिन उसमें नाक है, मुंह है, सिंह है, दुम है, पेट है, पैर है, ये हो गया स्वगत भेद। केवल माने जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं है। विश्व के लिए भोक्ता भोग भोग्य, ध्याता ध्यान ध्येय, वही बात तैजस के लिए, वही बात प्राज्ञ के लिए। लेकिन जो तुरीय तत्व है उसमें ये भेद नहीं है, उपाधि के कारण इनके ऊपर में अध्यारोपित करे गए हैं। पूर्व दिशा पश्चिम नहीं है, पश्चिम दिशा उत्तर नहीं है, लेकिन आकाश के दृष्टि से देखा जाए तो ये कोई भी भेद आकाश में नहीं है। इसी प्रकार से तुरीय तत्व में यह विश्व तैजस प्राज्ञ इत्यादि भेद नहीं है, इसीलिए केवल। अभिधान अभिधेय रूपयो वांग मनसयो क्षीणत्वात् अव्यवहार्य। और इसमें किसी भी प्रकार के वाणी का या मन का व्यापार नहीं हो सकता, इसीलिए अव्यवहार्य। देखो हम आपको एक एक्सपेरिमेंट बताते। हम आंखों से तो दुनिया को देख सकते हैं, इससे क्या सिद्ध होता है कि हमको दृष्टि है? बहुत बढ़िया। यदि आपको दृष्टि है तो आपने कभी अपनी आंखें देखी है क्या? हमने देखी है, एक लड़की ने कहा। तो दिखाओ कैसे देखी है? तो जैसे एक विलन एकदम पिस्टल निकालता है जेब से, उस प्रकार से उसने अपने पर्स में से आईना निकाला। देखो आई कैन सी माई आईज। हमने कहा यार तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो,
अब ऐसे करना है, जिस आय को देख रही हो ना उसमें काजल लगाना, तो उसमें काजल लगेगा क्या? नहीं। तो तुम क्या देख रही हो? तुम आंख का प्रतिबिंब देख रही हो। प्रतिबिंब और बिंब ये अलग अलग होते हैं। तो जो आंखें अन्य के लिए दृष्टि है, स्व के लिए अंधी है, क्योंकि यहां दृष्टा और दृश्य ये भेद गायब हो गया। इसी प्रकार से मन, मनसा मन आलोक्य, जब मन अपने ही अनुसंधान में लग जाता है तो मन गायब हो जाता है। मानसम तु किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवात्। भगवान रमण महर्षि कहते हैं जब हम मन का अनुसंधान करते हैं तो मन गायब हो जाता है, इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं हो सकता कि आत्मा कैसा है। अब इसको ऐसा समझ लो, बिजली को देखने के लिए जिस बल्ब से हम दुनिया को देखते हैं उसी लाइट से बिजली को देखो कि बिजली दिखने में कैसी है, नहीं देख सकते। जिस बिजली के कारण ये पंखे घूमते हैं तो वहां देखो अंदर घूम तो नहीं रही बिजली, नहीं। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार का व्यवहार जिसमें नहीं हो सकता वो अपना स्वरूप है अव्यवहार्य। प्रपंच उपशमः शिवः अद्वैतः, इसीलिए इसमें कोई प्रपंच नहीं। प्रपंच का अर्थ मालूम है क्या है? पांच के विस्तार को प्रपंच कहते हैं, पची विस्तार धातु है। तो पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंचायती राज्य। क्या खामो खाम की पंचायत करते हो? तो ये जो पांच के विस्तार को ही प्रपंच कहते हैं। जब ये सभी के सभी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय जहां शांत हो गए, प्रपंच उपशमः, वहां किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं है, और इसीलिए शिवः अद्वैतः, इसलिए अत्यंत पवित्र है। अपवित्रता क्या है? जो है उसके सिवा अन्य कुछ भी हो तो अपवित्र है। जैसे हमारा शर्ट, इसमें जो रंग है पीच कलर, तो ये पीच कलर इसमें ये अपवित्रता नहीं है। इसमें यदि एक छोटा सा स्याही का दाग लग जाए तो वो अपवित्रता आ गई, क्योंकि इस कलर से अन्य जो है वो सब अपवित्र है। खाना खाते समय कई बार हम अपने दाढ़ी को भी खिलाते हैं, तो जब दाढ़ी में कुछ लग जाता है तो क्या कहते हैं अगल बगल वाले, स्वामी जी आपके दाढ़ी में कचरा लगा है, तो निकाल के देखते, अरे ये चावल है, कचरा थोड़ी है, तो क्या मैं कचरा खा रहा था? ऐसी बात नहीं है, जो भी है ठीक है निकाल लो ठीक है। और फिर जब ऐसा किया था तो उसी समय एक बाल की हत्या हो गई और वो बाल चावल में गिर गया, फिर चावल खा लगे फिर उसमें, अरे स्वामी जी इसमें भी कचरा है, क्या है? अरे मेरे दाढ़ी का बाल है बाबा, तो मेरे गाल पर क्या कचरा लगा हुआ है? तो चावल भी कचरा नहीं, बाल भी कचरा नहीं, फिर क्यों उसको गंदगी कहते हैं? क्योंकि दाढ़ी में दाढ़ी के सिवा अन्य जो भी है कचरा है, चावल में चावल के सिवा अन्य जो भी है कचरा है। किसी प्रकार से परमात्मा में अद्वैत में द्वैत यह कचरा है, इसीलिए शिव इमैक्युलेट अतिशत पवित्र, और इसीलिए अद्वैत, हां यही अद्वैत है जिसमें द्वैत की दुर्गंध नहीं है। संवृत एव यथोक्त विज्ञानवता प्रयुक्त ओंकार श्री मात्रा श्रीपाद आत्मैव। इस प्रकार से जो इसको जानता है, किस प्रकार से अकार उकार मकार ये विश्व तेजस और प्राज्ञ इनके साथ जोड़ करके संविशंति आत्मना स्वेनैव स्वं पारमार्थिक आत्मानं य एवं वेद, इस प्रकार से जो जानता है वो पहुंच जाता है अपने इस प्राज्ञ के स्थिति तक।
उसके आगे नहीं, क्योंकि इसी में अभी वो घूम रहा है। आगे कहते हैं परमार्थ तर्षी ब्रह्मविद तृतीय बीज भावम दग्ध्वात्मानम प्रविष्ट इति न पुनर्जायति सूर्यस्य अबीजत्वात्। लेकिन जो परमार्थ दर्शी है माने जिनको ना तो ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति इसकी उपलब्धियां, जागृत की उपलब्धियां यहाँ की धन दौलत और ये तेजस की उपलब्धियां, भिन्न भिन्न शक्तियां प्रकट हो गई, सिद्धियां प्रकट हो गई और प्राज्ञ की उपलब्धियां, किसी को हम आशीर्वाद भला कर सकते हैं, जो इन तीनों के परे चले गया है और अपने स्वरूप में ही स्थित रहना चाहता है उसको कहते हैं परमार्थविद। यह परमार्थविद जो ब्रह्मविद है बीज भावम दग्ध्वा, फिर जो प्राज्ञ में बीज है, कौन सा बीज है, तत्वस्य अग्रहणम, अपने आप को नहीं पहचानना, यह जो बीज है ये परमार्थदर्शी महात्माओं के जीवन में बीज भी जल जाता है और उनके दृष्टि से द्वैत की हमेशा के लिए हानि हो गई। देखो कितनी सूक्ष्म बात है, हम जो आपको बता रहे थे ना वो यही है। ये योग मार्ग में, सिद्ध मार्ग में और कुंडलिनी जागृति में, उनमें अनेक प्रकार की सिद्धियां होती है, नहीं 100% होती है, लेकिन उनकी गति केवल यही तक है, उसके आगे नहीं है। इसलिए आप देखेंगे इस मार्ग से चलने वाले बहुत ही दुनिया का भला करने में लगे हुए रहते हैं, अनेक हॉस्टल हो गए, कॉलेज हो गए, ये हो गए, वो हो गए और उसमें खूब लगे हुए हैं। देखो भगवान परमहंस रामकृष्ण जी, उन्होंने कहा था विवेकानंद से, जब उन्होंने कही ज्ञान की बात, बोले अभी नहीं, अभी तुम काम करो दुनिया में, बाद में जब ये ज्ञान हो जाएगा तुम सहे नहीं सकोगे, रहोगे नहीं। और जब उनको यह ज्ञान उनके गुरु ने दिया तो 3 दिन के अंदर उन्होंने देह का त्याग कर दिया। देखो महाराज, इसलिए ये 2 बातें स्पष्ट समझ लेना, गति प्रकृति में रह करके उच्च स्थिति पर जाना यह हिरण्यगर्भ ईश्वर तक की है, और केवल तत्व में निष्ठावान करना इसके परे जाना। इसीलिए इस मार्ग से चलने वाले इस चक्कर में कभी नहीं पड़ते, किसी का भला करना है, लोगों का भला होगा, नहीं तो आध्यात्म का क्या फायदा है। आध्यात्म का फायदा कर सोचने वाले डेफिनेटली बनिया होंगे, आध्यात्म का कोई फायदा नहीं। इस प्रकार से नहीं सर्प रज्जु सर्पयो हो विवेक के रजवाम प्रविष्ट सर्पहा बुद्धि संस्कारात पुनः पूर्ववत विवेकान विवेकिना उत्थास्यति। एक बार ये ज्ञान हो गया कि यह सांप नहीं है, यह रस्सी है, तो फिर सर्प का जो पहले भ्रांति थी फिर वो उपस नहीं आएगी। इसी प्रकार से जिसने अपने स्वरूप को एक बार पहचान लिया है उसके लिए यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति और विश्व तेजस प्राज्ञ इसका कोई स्थान नहीं है। देखो महात्मा, मंद मध्यम ध्याम तू, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते कि जो परमार्थ तत्व चाहते हैं, फिर वो कौन है, मंद मध्यम ध्याम तू प्रतिपन्न साधक भावानाम सन्मार्गगामिनाम सन्यासिनाम मात्राणाम पादानाम च क्लुप्त सामान्य विदाम यथावत उपास्यमान ओंकार ब्रह्म प्रतिपत्ते आलंबनी भवति। तो जो ये द्वैत के मार्ग में रह करके चलना चाहते हैं, कारण क्या कहते हैं, मंद मध्यम धियाम, जो मंद बुद्धि वाले हैं, मंद बुद्धि वाले का बेवकूफ नहीं, अभी उनको इस दुनिया में कुछ करना बाकी है। उदाहरण जैसे भीष्माचार्य द्रोणाचार्य इतने बड़े बड़े थे लेकिन फिर भी वो इस द्वैत के संसार में ही फंसे हुए। देखो संतो, इसी में वो रहेंगे, उससे परे उनको नहीं जाना। ये बात एक बार समझ लो संतो, पुराणों की कहानियों में
जो आता है मूल रूप से, उसमें आधी दैविक कहानियां होती है और उसमें बताते हैं कि अष्ट वसु में से एक वसु थे और उसने कोई गड़बड़ी करी, क्या करी अब उनको पता है, गड़बड़ी करी अब उसके कारण उनको शाप मिला। क्या शाप मिला? अब तुम मनुष्य के योनि में पैदा हो जाओगे और वहां से वो गंगा पुत्र भीष्माचार्य के रूप में पैदा हो गए और पैदा होने के पश्चात फिर महाभारत में सबसे दुखी पात्र यदि कोई था तो भीष्माचार्य, कोयले की दलाली में हाथ काटे, ब्रह्मचारी रहे लेकिन सभी बच्चों का पालन किया और सभी बच्चों ने परेशान किया, बच्चों से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, चाहे दशरथ रहे चाहे वसुदेव रहे कोई भी सुखी नहीं हुआ, तो ये भी सुखी नहीं हुए। और जब मरने का समय आया तो फिर वो फिर अपने लोक में जाना है, इसीलिए फिर उन्होंने कहा कि मैं तब तक यहां रहूंगा जब तक कि मुझे वहां की एंट्री मिलती नहीं है। तो यहां की एंट्री कब खुलती है? जैसे अपने बद्रीनाथ के पट खुलते हैं ना अक्षय तृतीया को, इसी प्रकार से वहां के पट खुलते हैं जब उत्तरायण आ गया, तब तक के उन्होंने प्राण को धारण करके रखा, माने उनकी जाने आने की गति मेंटेन रही। उपनिषद कहती है न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्र एव ब्रह्म समश्नुते, वो अपने प्राण को छोड़ते नहीं, जीते जी ही वो परमात्मा के साथ एक हो गए हैं, इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। देखो इसीलिए दो मार्ग है, एक में हम संसार में रहते हैं तो दूसरा संसार के परे चले जाते हैं। संसार का तात्पर्य यही पृथ्वी का जो मर्त्य लोक है ये मात्र नहीं है। देखो अधश्चोर्ध्वं प्रसृता सस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। यह जो देवता की योनिया है वो हो गया सत्वगुणी संसार, हम लोगों का रजोगुणी संसार और पशु पक्षी की रियग ये हो गया तमोगुणी संसार। ये सब का सब संसार वृक्ष ही है, इसमें कोई फर्क नहीं। जो आनंद इंद्र को अमृत पीने से आता है वही आनंद हमको यहां गन्ने का रस पीने से आता है और वही आनंद एक गधे को गटर का पानी पीने से आता है, कोई फर्क नहीं। देखो संतो, इसलिए यहां कहते हैं परमार्थदर्शी ब्रह्मविद तृतीय बीज भावम दग्ध्वा आत्मानं प्रविष्ट इति पुनः न जायते। इसीलिए उनके यहां जन्म मरण का चक्कर नहीं है। आप देखेंगे जो वेदांत के अनुसार विचार करने वाले हैं वो पिछला जन्म ये जन्म अगला जन्म इसके बारे में कभी नहीं बोलेंगे। देखो हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने अपना देह जब त्यागा तो दो चार दिन पहले उन्होंने कहा अब तो भैया ये यमुना जी में कछुओं को भंडारा होने का समय आ गया, अब किसी को पता ही नहीं चला क्या भंडारा होने वाला है। तो जब उन्होंने देह त्याग दिया तो उसको अपने यमुना जी में डाल दिया, वहां डालने के बाद अब कछुओं को भंडारा हो गया। देखो मरने के बाद मेरी समाधि बना देना और समाधि में आकर के फूल चढ़ाना, फिर तुम्हारी इच्छाएं पूरी होगी। संसार शुरू जहां इच्छाओं की पूर्ति की बात होती है वो संसार है, जहां इच्छाओं के परे चले जाना है वही तत्व है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः, जब हमारे अंतकरण में सभी कामनाएं हमेशा के लिए मिट गई है, अथमर्थ्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, ये है परमार्थदर्शी। तो उनके लिए
तुरीयस्य अबीजत्वात्, उनके लिए फिर जन्म मरण अगला पीछा जन्म ये कहानी खत्म हो गई। तो कहते हैं लेकिन जो दूसरे प्रकार के हैं मंद मध्यम धियाम तु प्रतिपन्न साधक भावानाम, लेकिन अब उन्होंने अत्यंत सिंची अपनी साधना शुरू कर दी है, सन्मार्ग गामी नाम, वो पाप के मार्ग से नहीं जाते, वो जाते हैं देखो किसी का बुरा नहीं करना, किसी ने एक लगाई चपट तो दूसरी दिखा दिखा देने यहां भी मार ले बाबा बैलेंस हो जाएगा, सन्मार्ग गामी नाम। और सन्यासी नाम उन्होंने पहले ब्रह्मचर्य में रहे, पढ़ाई पढ़ाई कर ली, फिर गृहस्थ में गए धक्के खा लिए, फिर वानप्रस्थ में आए घर से निकाल दिया, फिर जाके बाबा जी बने सन्यासी नाम। और सन्यासी नाम मात्रा नाम पादा नाम के क्लुप्त सामान्य विधान, और उन्होंने यह मात्रा पाद इसको ठीक से जान लिया है, लेकिन ओंकार को उन्होंने यही समझा है कि यहाँ सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, इसमें श्रेष्ठ कनिष्ठ कुछ नहीं है, एकमात्र है। जब एकमात्र होता है तो श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं होता। ये हमारा एक ही पुत्र है तो हम ऐसा कहेंगे क्या कि ये मेरा बड़ा लड़का है? जब हमने कहा ये मेरा बड़ा लड़का है तो दूसरा प्रश्न आएगा छोटा कौन है? एक जब होगा तो उसमें श्रेष्ठ कनिष्ठ बड़ा छोटा नहीं होता। इस प्रकार से ब्रह्म प्रतिपत्ति आलंबनी भवती, उनके लिए यह ओंकार एक आलंबन बन जाता है। कठोर परिषद में भी आता है एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम एतद आलंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। इस ओंकार के द्वारा चाहे आप अपर ब्रह्म की उपासना कर लो या इस ओंकार के द्वारा पर ब्रह्म को प्राप्त कर लो, जो आपकी मर्जी है। ओंकारम पादशो विद्यात पादा मात्रा न संशय, ओंकारम पादशो ज्ञात्वा न किंचित अभी चिंतित। अब इस इन लोगों के लिए जिनको उपासना करनी है, उपासना और अनुभव का विश्लेषण इसमें फर्क होता है। उपासना में हम मुन्नाबाई बनकर के लगे रहते हैं, अनुष्ठानात्मक जीवन होता है, बिल्कुल पानी में खड़े रहेंगे और वहां गायत्री का जप करेंगे, ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुः सर्वभूतेभ्यः भर्गो देवः धीमहि यो योनः प्रचोदयात्। उपासना करने के लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सी? आदमी को जिद्दी होना चाहिए, जो जिद्दी है वही कर सकता है। देखो जो लाइट हार्टेड है वो उपासना नहीं कर सकता। अब हो गया ना भगवान का नाम, बस हो गया प्रभु धन्यवाद। बहुत कठिन है जिद्दी होना। एक बार हम एक शिवरात्रि के समय कहीं किसी मंदिर में थे, तो सुबह वहां 6 बजे से रात को 12 बजे तक ओम नमः शिवाय का जप चलता है। तो हम जाते थे कभी आधे घंटे घंटे बैठ लिए, राम ओम नमः शिवाय कर लिया, फिर आकर के हम चाय पानी पी करके बैठते थे, फिर जाके बैठते थे गोइंग एंड कमिंग। एक लड़की वहां बैठी रही सुबह 6 बजे से 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए। उसके माँ बाप आए, मुझे कहते स्वामी जी देखो आप भी यहाँ से उठ के जाते हो बीच में, लेकिन मेरी लड़की ऐसी बैठी हुई है एकदम एकाग्रता से। हमने कहा देखो अम्मा एकाग्रता वगैरह कुछ नहीं, वो बहुत जिद्दी है। बोले आपने तो एकदम उसको पकड़ लिया, इतनी जिद्दी है स्वामी जी, वो किसी की बात मानती नहीं। देखो इसीलिए यह ओंकार के द्वारा हम जो भी चाहे प्राप्त कर सकते हैं, यदि क्षति तस्तर। जितनी मेहनत हम दुनिया की वस्तुओं को प्राप्त करने में लगाते हैं, उतनी ही मेहनत प्रयत्न शैथिल्य के लिए लगाओ। एक बार हम किसी एयरपोर्ट पर थे, हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हमको याद नहीं कहा, मेहनत से याद आया। वहां टॉयलेट के अंदर में आप जाके कमोड़ पर बैठो, अंदर से दरवाजा, वहां लिखा हुआ था जितनी मेहनत यहां करते हो इतनी मेहनत काम में करोगे तो तुम्हारा टारगेट टाइम के अंदर पूरा होगा। तो
जितनी मेहनत इस दुनिया में इन पत्थरों में हम लगाते हैं, इतनी मेहनत यदि प्रभु के लिए लगाओ तो उनके साथ एक हो सकते हैं महाराज। किसी ने कभी ये कहा गया कि पैसा कमाना बड़ा कठिन है? रे बाबा, हम नहीं कमाएंगे, क्योंकि उसका महात्म्य हमको मालूम है। इसी प्रकार से इस तत्व का जब महात्म्य हृदय में प्रकट होगा ना, तो बिना किसी कंप्लेन के सहजता से हम स्वरूप में निष्ठावान हो सकते हैं। कमी है इसी की, हमको इसका महात्म्य अभी मालूम नहीं। इसीलिए ओंकारम पादशम विद्यात पादा मात्रा न संशयः। तो पहले ओंकार को उनके मात्रा के अनुसार जानो, फिर ये जो हो विश्व तैले से उनके साथ उनका मेल करो, फिर ओंकारम पादशः ज्ञात्वा, और फिर ओंकार को ठीक से समझ लिया कि अकार माने विश्व, उकार माने तैजस, मकार माने प्राज्ञ, ये तीनों के तीन जैसे एक ही ओंकार में से प्रकट होते हैं फिर वापस चले जाते हैं, इसी प्रकार से यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सब आने जाने वाला खेल है। इस खेल को आधार देने वाला ना तो कहीं आता है ना तो कहीं जाता है। और कहते हैं ज्ञात्वा न किंचित अभी चिंतये, अब चिंतन करना छोड़ दो। यदि मैं रियलाइज हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, कई लोगों की ये परेशानी होती है कि स्वामी जी आई एम हैविंग दिस फियर, किस चीज के डर है मन में, मैं मरूंगा तो मेरे बच्चों का बीवी का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा। हमको एक सज्जन ने पूछा था 80-90 साल के, हमको पिछले 2-3 महीने से ये बहुत परेशानी हो रही है स्वामी जी, इतना डर लग रहा है। अरे डरो मत, मरोगे गारंटी से, मैं देता हूँ गारंटी। अरे नहीं नहीं मरने क्या नहीं, मेरे मरने के बाद मेरी बीवी बच्चे बिजनेस प्रॉपर्टी इसका क्या होगा। हमने कहा जिनको लेकर के आपको परेशानी उनके जाके पूछो, तो वो बताएंगे कि पापा गो न, वी आर वेटिंग, कमरा खाली हो जाएगा। हमको ही लगता है हमारे जाने के बाद क्या होगा, है जब सब कुछ हुआ नहीं जाने के बाद क्या होगा। देखो संतो, इसीलिए न किंचित अभी चिंतित, आप मौज में बैठे रहो। मौज में बैठने का तात्पर्य क्या है, साधना इसलिए करना है कि टाइम पास करना है, बाकी कुछ नहीं, कुछ प्राप्त नहीं करना है। इसीलिए आप लोग जब यदि करते होगे ना, तो हाथ में माला लेकर के गिनती के चक्कर में मत पड़ना, फिर अकाउंट रखोगे इतना जब किया, भगवान को दर्शन हुआ ही नहीं आपको, हुआ आपने कितना जब किया था, हमने एक बार नहीं किया। अच्छा भगवान के यहां भी चलता है ऐसा महाराज जब के गिनती के बदले में भगवान का दर्शन नहीं होता महाराज, तो फिर किस लिए जब करें, टाइम पास करने के लिए। इसको एक बार आप करके देखो, जो हम बता रहे हैं ना, केवल जोक करके छोड़ मत देना। घड़ी देखो कितना है, अब 10 मिनट है अपने पास, तो 10 मिनट भगवान का नाम लिखे। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान का नाम मालूम है कैसा लेते हैं, जैसा चॉकलेट खाते हैं वैसा। हम भगवान का नाम कैसा लेते हैं, जैसे आयुर्वेदिक दवाई पीते हैं। क्या हो गया, कूट जा अरिष्ट, कूट जा अरिष्ट ने प्रवेश कर लिया है, अब अरिष्ट शुरू हो गया। उसके बाद डकार भी आते हैं तो वो भी वैसे ही आते हैं, अरे राम। अपने आप को
न किंचिदपि चिन्तयेत् युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम् प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयम् विद्यते क्वचित्। तो प्रणवे चेतः युञ्जीत युञ्जीत समादध्यात् यथा व्याख्याते परमार्थ रूपे प्रणवे चेतः मनः। मन को ये प्रणव में ओंकार में लगाना माने क्या, ये समझदारी के साथ कि जब हम शांत बैठे हैं तो स्थूल अवस्था का प्रारंभ होता है स्थूल देह के साथ तादात्म्य के बाद। जब स्थूल देह के साथ तादात्म्य खत्म हुआ लेकिन मन अभी शांत नहीं हुआ, कैसे स्विच ऑफ कर दिया फैन फिर भी वो फैन थोड़ी देर तक घूमते रहता है, इसी प्रकार से स्थूल देह के साथ तादात्म्य खत्म हुआ लेकिन स्थूल देह के साथ तादात्म्य के कारण मन में जो विचारों की गति थी वो गति अभी चल रही है, उसके साथ तादात्म्य किया तो फिर वहां प्राज्ञ पैदा हुआ, फिर वहां स्वप्नावस्था का सिनेमा शुरू हो गया और ये फैन भी अब शांत तो हो गया तो वहां प्राज्ञ पैदा हुआ, अब कोई नहीं है लेकिन फिर किसी ने स्विच ऑन कर दिया। इसीलिए इस प्रकार से जब हम शांत पर रह करके करेंगे प्रणवो ब्रह्म निर्भयम फिर पता चलेगा। ये तो सब चला चली का खेला है, कितने बार सपने आके चले गए, कितने बार जागृत अवस्था आके चली गई। जब स्वप्न टूटता है तो स्वप्न पुरुष मर गया ऐसा कहकर के हम दुखी होते हैं क्या? नहीं तो रोज सुबह उसमें के बाद चलो कंडोलेंस मीटिंग, क्या वो सपने में जो था वो मर गया? नहीं। इसी प्रकार से ये जागृत अवस्था का जो है विश्व, हर जागृत अवस्था में नया पैदा होता है, पिछले जागृत अवस्था के और आज के जागृत अवस्था के विश्व का कोई भी रिश्ता नहीं है। किसको पकड़ो महाराज, जैसे हर सपने का स्वप्न पुरुष भिन्न होता है इसी प्रकार से हर जागृत अवस्था का विश्व या जागृत पुरुष भिन्न होता है। एक पत्नी कंप्लेन कर रही थी, स्वामी जी ये हमारे बहुत जोर से खर्राटे मारते हैं हम सो नहीं सकते क्या करें। हमने कहा प्रभु अब आपकी बारी है आप करो डिफेंस। तो बोले वो क्या करेंगे मेरे सामने, हाँ ये भी बात थी। बोले मैं बताती हूँ, जब मैं उनके उठाती हूँ ना खर्राटे मारते हैं, क्यों जोर से खर्राटे मार रहे, वो शांत तो रह करके कहते मैं खर्राटे नहीं मार रहा था, और फिर शुरू कर देते हैं अब क्या करें। हमने कहा देखो अम्मा हम तो इनकी साइड लेंगे। बोले मुझे पता है आप तो लेडीज के विरुद्ध ही है। कैसे? हमने कहा जो सो रहा है वो प्राज्ञ है और जो पति है वो विश्व है। तो प्राज्ञ खर्राटे मार रहा है, विश्व थोड़ी खर्राटे मार रहा है। तो तुम्हारा पति प्राज्ञ नहीं है विश्व है। बोले आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। हमने कहा वो हमारा प्रोफेशन है कि आइदर कन्विंस और कंफ्यूज, या तो समझो या कंफ्यूज हो जाओ। इसीलिए जुंजीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्। और फिर हमको बता दे देखो प्रणव की उपासना करने से सब डर निकल जाता है, मन में कॉन्फिडेंस आता है, ये सब उपासना के मार्ग में है। भगवान का नाम लो कोई डरने की जरूरत नहीं। आपने देखा होगा ना बच्चे लोग भी, एक छोटा सा बच्चा है अभी बड़ा हो रहा है वो अमेरिका में अटलांटा में, उसको पता नहीं किसने बताया या कहीं से सुना होगा उसने कि सोते समय यदि हनुमान चालीसा का जप किया जाए तो कोई हानि नहीं होती। अब जब वो छोटा था 3-4 साल का तब से वो सोने के पहले जब तक के वो अपने बिस्तर पर बैठ करके हनुमान चालीसा पूरा पाठ नहीं करता नहीं सोता। और उसकी ऐसी दृढ़ निष्ठा कि कहीं भी बिस्तर पर गया
श्री गुरु चरण सरोजरी गुरुधारी, उसका आत्मविश्वास जागृत हो गया। इसी प्रकार से यहां कहते हैं प्रणवो ब्रह्म निर्मयम प्रणवे नित्य युक्त न भयम विद्यते क्वचित। इस प्रकार जो इसमें नित्य युक्त कंटिन्यूअसली इसी चिंतन में लगा हुआ है उसके जीवन में जगत से कोई भय की संभावना नहीं। कहते हैं विद्वान विवेकी न कुतश्च न, विद्वान को ज्ञानी वो है कि जो डरता नहीं, जो डरता है वो अज्ञानी है। प्रणवो ह्य परम ब्रह्म प्रणवश्च परस्मृतः अपूर्वो नंतरो बायो न पर प्रणवो व्ययः। तो यह जो पर प्रणव है, ओंकार है, यही परब्रह्म है, यही अपर ब्रह्म है, दोनों एक ही है। क्योंकि एक ही तत्व में यह दो भेद होकर के मानो भोक्ता भोग्य तैयार हो गया है, लेकिन जो भोग है और जो भोक्ता है एक ही तत्व के दो बातें हैं। जैसे हमने अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ को खुजलाया, तो ये हो गया कर्मचारी और ये हो गया बॉस, ठीक से खुजलाओ, फिर इस हाथ को खुजली आई, फिर एकदम पोजीशन बदल गई, अब ये बन गया कर्मचारी और ये बन गया बॉस। तो एक ही जो है उसमें भोक्ता भोग्य ये अलट पलट के चलता है। इसीलिए परापरे ब्रह्मणि प्रणवः, दोनों परब्रह्म और अपर ब्रह्म एक ही परमात्मा है, एक ही ओंकार है। परमार्थतः क्षीणेषु मात्रा पादेषु पर एव आत्मा ब्रह्म इति न पूर्वम कारणमस्य इति अपूर्वः। तो यह जब हम परमात्मा के रूप में प्रणव को लेते हैं तब उसका कोई कारण नहीं है, परमात्मा का कारण नहीं होता, प्राज्ञ कारणात्मक है। देखो भिन्न भेद, प्राज्ञ कारणात्मक होने से वहां से विश्व तेजस निकलते हैं, परमात्मा में कारण ही नहीं है, इसीलिए यह सापेक्षता के परे है। तो न पूर्वम कारणम अस्य इति अपूर्वः, न अस्य अंतरम भिन्न जातियम किंचित विद्यते इति अनंतरः। और इस एकमेव द्वितीय के जैसा अन्य कोई नहीं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वविदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायो, मेरे जैसा मेरे से श्रेष्ठ माने कारण, मेरे से कनिष्ठ माने कार्य कुछ भी नहीं है। लेकिन प्राज्ञ प्राज्ञ तैजस और विश्व ले लो तो ये सजातीय भेद आ गया, लेकिन परब्रह्म में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। इसीलिए न बाह्यम अन्य न विद्यते इत्यर्थः अबाह्यः, और इसके बाह्य कुछ में सभी इसी में है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। अपरम कार्यम अस्य न विद्यते इति अपरः, इसका कोई कार्य भी नहीं है। प्राज्ञ बन जाता है कारण और विश्व तेजस बन जाते हैं कार्य, लेकिन जो परब्रह्म है प्रणव के द्वारा बताया गया वह कार्य कारण के परे है, और इसीलिए इसमें यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति विश्व तेजस और प्राज्ञ ये केवल औपाधिक है। जैसे रस्सी के ऊपर में साफ सबाजाभ्यंतरो ही अजहा, इसीलिए उसमें अंदर बाहर कुछ नहीं है, केवल एकमात्र है जिसका कभी जन्म इत्यादि नहीं होता। इधर उन्होंने उदाहरण दिया है सैंधव घनवत प्रज्ञान घन इत्यर्थः, जैसे नमक का डला हो, पत्थर के नमक का, उसमें नमक के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से इस परमात्मा तत्व को परब्रह्म को सबसे बढ़िया उदाहरण हमने पढ़ा संत ज्ञानेश्वर के लिटरेचर में। वो कहते हैं परमात्मा कैसा है, कहते परमात्मा है सॉलिड स्पेस के जैसा, इससे बढ़कर के और कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आ सकता। स्पेस माने जो सबको रखती है, सॉलिड माने इसकी सिवा कुछ और है ही नहीं। देखो इस एकमेव द्वितीय तत्व के सिवा और कुछ भी नहीं है, इसी में सब कुछ इंक्लूडेड है। जैसे यह स्थूल जगत
स्थूल आकाश में है। आकाश में क्यों है? क्योंकि अवकाशात आकाश ये सबको अवकाश दे रहा है। इसी प्रकार से चित्ताकाश में सभी वृत्तियों का साम्राज्य है, लेकिन जब चिदाकाश में आ जाते हैं तो चिदाकाश ऐसे आकाश के जैसा पोकला नहीं है, वह सॉलिड स्पेस है जिसमें सब होते हुए भी कुछ भी नहीं। इसीलिए कहते हैं अपन अनपरहा प्रणवो अव्ययहा, इसीलिए इसका किसी भी प्रकार से क्षय नहीं होता। सर्वस्य प्रणवो यादिर मध्य अंत तथा एवं ही प्रणवम ज्ञात्वा व्यस्तुते तदनंतरम। तो यह जो प्रणव है ये सबका आदि मध्य अंत है, किसको जो जानता है उसके बाद उसको कुछ लेने देने का नहीं रहता। प्रणवम ही ईश्वरम विद्यात् सर्वस्य वृद्धि संस्थितम सर्वव्यापिनमोंकारम मत्वाधीरो न शोचति अमातो अनंत मात्रश्च द्वैतस्योपम शिवः ओंकारो विदितो येन स मुनि नेत्रो जनः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।